कार दोस्तों अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर रोडवेज की वोल्वो बस अचानक पलट गई, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर बड़ा हादसा निकल कर आ रहा है। फिलहाल आनंद फानंद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को राजगीर सीएसी पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक यहाँ खबर पंजाब से, जहां पर जालंधर से बड़ा हादसा है। दिल्ली एयरपोर्ट से सवारी लेकर आ रही पंजाब सरकार की वोल्वो बस जालंधर में रामा मंडी फ्लाईओवर के पास बेकाबू होकर पलटी खा गई। बस ने पहले आगे चल रही कार को भिड़ंत किया, रेलिंग से जा भिड़ी। इस दौरान हादसे में सवारियों को मामूली चोट है। बताया जा रहा है कि सुबह एयरपोर्ट से सवारी लेकर जाली पंजाब रोडवेज की बस में करीब 12 लोग सवार थे, जो विदेश से अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान यह जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर एयरपोर्ट से सवारी लेकर आ रहे थे चालक बलजीत, बस चला रहा था। दिल्ली में बस में 20 से 22 सवारी थी, लेकिन कुछ सवारियां फगवाड़ में उतर गई तो 12 से सवारियां बची। इस दौरान यह हादसा है। फिलहाल सभी का प्राथमिक उपचार जारी है। तो दोस्तों तमाम खबरों के लिए बन रही चैनल पर लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद।